नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत और मैं हूं आपके साथ ऋतिक। बिहार में बाढ़ के हालात बन गए हैं, बाढ़ से लोग प्रभावित हो रहे हैं, पलायन करने को मजबूर हैं। जब बिहार के कई जिलों में बाढ़ आया और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब राजधानी पटना के इलाके जलमग्न हो गए, जब गंगा रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है, पटना डूब रहा है, तो बिहार के कई ऐसे ज़िले कैसे उसकी चपेट में नहीं आते, ये तो सवाल है। लगातार बिहार में बाढ़ आता है, सरकार हाथ पे हाथ धरती है, सरकार निरीक्षण करती है और फिर बाढ़ आता है, लोगों की जान जाती है, लोगों के आशियाने उजड़ जाते हैं और फिर अगले साल बाढ़ की तबाही के लिए लोग तैयार होते हैं। लेकिन बाढ़ को लेकर सरकार एक तरफ जहां पर सतर्क दिख रहा है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार सड़क के रास्ते जाकर जो जलमग्न एरिया हैं, जो इलाके हैं, जो राजधानी गंगा से सटे जो इलाके राजधानी के, उसका निरीक्षण कर रहे हैं, मुआयना कर रहे हैं और उसके बाद अधिकारियों को आदेश दे रहे हैं। तो ऐसे में लखीसराय में भी गंगा रौद्र रूप अख्तियार कर चुकी है और लखीसराय के कई ऐसे इलाके हैं, गाँव हैं, जहाँ पर गाँव पूरा जलमग्न हो चुका है, बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है, तस्वीरें आप सब देख रहे हैं। लेकिन इस पर हमारे सहयोगी लखीसराय से संवाददाता सरफराज आलम ने अंचलाधिकारी सुमित कुमार से बातचीत की है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं और क्या कुछ आश्वासन उन्होंने भी दिया है लोगों के लिए, क्योंकि बाढ़ से लोग आक्रोशित हैं, बाढ़ से लोग प्रभावित हैं, दर दर भटकने को मजबूर हैं। तो सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं अंचलाधिकारी। जिस कदर गंगा का जल स्तर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सुजगढ़ा से सटा हुआ और सामो का जो इलाका है पूरा जलमग्न हो चुका है, बहुत सारे रास्ते गाँव पंचायत सुजगढ़ा से कट गए हैं, लोग तराह तराह मचा हुआ है। जिला पदाधिकारी, एडीएम, डीडीसी, अंचल अधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी लगातार क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, लोगों को राहत पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ हैं सुजगढ़ा के अंचल अधिकारी सुमित कुमार आनंद। सर, उनसे जानना चाहते हैं कि सर आखिर अंचल अधिकारी की हैसियत से आप लोगों को राहत पहुँचाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। सबसे पहले धन्यवाद आपको। हमारे लखीसराय प्रखंड जिला अंतर्गत सुजगढ़ा प्रखंड सबसे बड़ा प्रखंड है इस जिला का। इसमें मुख्यतः ताजपुर पंचायत, जो हमारे मुंगेर जिला के बॉर्डर पर अवस्थित है, उस पंचायत के दो वार्ड 14 और 15 रसलपुर गांव, वो हमारा काफ़ी दिनों से हर साल बाढ़ में प्रभावित हो जाता है। उस गांव में अभी हम लोग दौरा किए हैं डीएम सर के साथ, डीएम सर, डीडीसी सर, सब लोग देखे हैं, नहीं पानी की उतनी भयावह स्थिति नहीं बनी हुई है अभी। औसत स्थिति दो दिन और पानी यदि बढ़ जाता है गंगा में तो स्थिति सारा वहाँ पर जो लोकल घर है बांध किनारे वो लोग सब घर डूब सकता है। जैसे हम लोगों को राहत, यहाँ राहत की बात है, राहत के लिए हम लोग सारी तैयारी पहले पूर्व से कर लिए हैं। जैसे नाव की व्यवस्था है, नाव व्यवस्था कर लिया गया है। सामुदायिक किचन के लिए हम लोग स्कूल चिन्हित, उसे सर हम स्थल चिन्हित कर चुके हैं जहाँ हम लोग सामुदायिक किचन स्टार्ट कर देंगे। जो आपदा राहत के तहत हम लोग को काम करना है बिहार सरकार के द्वारा प्रावधानों के आधार पर, और मुख्यतः हमारा जो एक बांध है रिश्ता में वो भी हम लोग आज उसका निरीक्षण किए हैं। वहाँ पे सैंड बैग बहुत सारा जो बांध से कटाव शुरू हो गया था, उस कटाव हम लोग सैंड बैग जो बाढ़ प्रमंडल के हैं जेई साहब उसमें आके अपना सैंड बैग भी डाले हैं। तो कहा जा सकता है कि अभी बाढ़ की औसत स्थिति हमारे सुलगढ़ा प्रखंड में नहीं है। इसके अलावा पिपड़िया जो बगल में प्रखंड है, सामो जो बेगूसराय अंतर्गत है, वो सब पानी से पूरा क्षतित हो चुका है। तो सुलगढ़ा प्रखंड में बाढ़ आने में हम लोग कम से दो दिन और पानी यदि डेली 1.5 फीट बढ़ेगा गंगा के जल स्तर तो ही हम लोग प्रभावित हो जाएंगे। इससे हम लोग पूरी तैयारी यहाँ हो चुका है, इससे हम सुलगढ़ा प्रखंड के इतने भी खासकर रसलपुर और निश्ता वालों को कहना चाहेंगे, गाँव के कोई पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग तैयारी पूरी प्रशासन पर अपने अच्छे से ये समय गुजारेंगे। धन्यवाद। कुल मिलाकर देखा जाए तो अंचल अधिकारी सुमित कुमार आनंद का मानना है कि स्थिति अगर बिगड़ती है और भयावह भी होती है तो प्रशासन के पास उतनी सुविधाएं मौजूद है कि हर परिस्थिति से निपटने में वो सक्षम है। कैमरामैन मणिकांत के साथ सरफराज आलम, डीटीवी भारत, लखीसराय।